हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष तंगवी है। हम लोग आज हरिश्चंद्रगढ़ आए हैं। तो बेसिकली ये पहाड़ जो है, ये ट्रैकिंग पॉइंट जो है अहमदनगर में बेस्ड है, अहमदनगर गांव में बेस्ड है। अगर आपको यहाँ पे आना है तो बाय मुंबई आप ट्रेन में आ सकते हो, कसारा उतरना है आपको, और कसारा से आपको प्राइवेट व्हीकल मिलती है। सो वो 150 किलोमीटर अप्रॉक्स है, 2.5 घंटा लगता है कसारा स्टेशन से यहाँ आने, यहाँ के बेस विलेज में, और यहाँ से ऊपर जाना। हाय गाइस, मेरा नाम है केवल। सो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है 2 डे ट्रैकिंग का, और मैं इस बार मोर्या ट्रेकर्स के कम्युनिटी से आया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये ट्रैक, और इन लोगों की जो फैसिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पे खाना पीना डिसेंट है, यहाँ पे ट्रेडिशनल जो इन लोग घर पे बनाते हैं जैसे भाकरी वगैरह, ये सब ही तुमको मिलेगा यहाँ पे, वो सब लग्जरियस कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे टेंट की भी व्यवस्था इन लोगों ने की थी, तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे सनसेट बहुत सुपर आता है, और यहाँ पे पूरे साल जब भी आप आओगे आपको बादल ही बादल दिखेंगे, ये बहुत ऊपर है। तो फिर यहाँ से हम ऊपर और गए जहाँ पे वो तारामती पॉइंट बोलते हैं जिसे, वो भी है, वो यहाँ से 1 घंटा ट्रैकिंग है, वो एडवेंचर है, वो थोड़ा मतलब डाइसी और थोड़ा सा हल्का सा रिस्की है, बट ध्यान देंगे तो सब पहुँच सके। और ऊपर शिव जी का वहाँ पे झंडा है और वहाँ पे शिवलिंग है। सो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। साइन ऑफ।